नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने सदन की कार्रवाई में कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि नए सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है और इससे महिलाओं को और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि UPA 2 सरकार में चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसे राज्यसभा में पारित कर दिया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया और आज नई संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को द्वयम दर्जे का सोचा जाता है, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहां बैठे हैं, हमारी बहन रीना कश्यप जी यहां हमारी एक मात्र महिला बैठी है, और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहां रहेंगे, बाकी सीट कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, CWC में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सदन के अंदर एक बार फिर लंबित पड़ी भर्तियों के मामले पर बहस छिड़ी, नीति को लेकर भी जमकर वाद विवाद हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर आमने सामने दिखे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों पर इंक्वायरी नहीं चल रही है उन पर भर्तियां चल रही हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऊर्जा नीति को लेकर भी पूर्व सरकार पर हमला किया। जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे सवाल किया, सवाल था रोजगार देने से संबंधित, लेकिन वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सवाल पर आ गए और हमने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार पेपरों को बेचा गया, उसके बारे में हमने पूरा विस्तृत जानकारी आज सदन में रखी। तकरीबन 339 के करीब, जिनमें कोई रिजल्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया है और बाकी वेटनरी फार्मेसी है और जो तीन है वो लोक सेवा आयोग के पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हो रही है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार 10 महीने से प्रदेश को 10 साल पीछे कर दिया है। आपको बता दें कि यहां तक कि सरकार सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रही है चुनावों के समय भी, और अब भी सदन को गुमराह किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बद्दी नालागढ़ है, लेकिन वहां पर BDO का ऑफिस नहीं था, SDM का ऑफिस नहीं था। जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग, हमने BDO और SDM का ऑफिस खोला और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सत्ता में आते ही उसे डिनोटिफाई कर दिया गया। वहीं इसके बाद जब बद्दी के विधायक और CPS ने कहा कि बद्दी में BDO और SDM के ऑफिस नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि बद्दी में BDO और SDM के दफ्तर खोलेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने पद का मजाक बनाया है, जब संस्थान को खोलना था तो उसे बंद क्यों कर दिया गया। विपक्ष लगातार सहयोग कर रहा है,
जहां तक आपदा की बात है उसमें सहयोग देने के लिए विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया है, चाहे वो केंद्र के नेतृत्व के साथ बात करने की बात थी, चाहे वो प्रदेश सरकार को सहयोग देने की बात थी, सब जगह बात की है, सब जगह सहयोग दिया है। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार चालाकी करके कांग्रेस सरकार कोशिश कर रही है कि इस आपदा में जो नुकसान हुआ है हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा जाए, इस बात की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो प्रदेश सरकार के जो काम करने के हैं वो करें, और ऐसे में हम बार बार कह रहे हैं सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, अभी तक जिंदगी सारी अस्त व्यस्त पड़ी है, उसको पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ उससे ज्यादा राजनीति पर जोर दिया जा रहा है, और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में अब 25 सितंबर को प्रदेश भाजपा के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस सरकार से 10 गारंटी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के सह मीडिया प्रभारी अमित सूद ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अब भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी आज खतरे में पड़ गई है। और इसके साथ ही अमित सूद ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में अपने 10 महीने पूरे कर चुकी है, लेकिन तब से लेकर अब तक वह हजार से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है, और इसका जवाब आज तक वह जनता को नहीं दे पाए हैं कि आखिर किन कारणों के चलते यह संस्थान बंद करने पड़े। जिसकी सरकार बनी है ये हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी ही झूठ फरेब पे है, पहले दिन से गारंटियों के नाम पे जो धोखा शुरू हुआ है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, अभी आपने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो इन सब चीजों को लेके, 10 गारंटियों को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके और भी कई ऐसी सवाल जो है वो उस दिन 25 तारीख को विधानसभा घेराव के दिन पूछे जाएंगे। कोरोना काल में विभिन्न विभागों में रखे आउटसोर्स कर्मियों ने सुकू सरकार से नौकरी से ना निकालने की गारंटी मांगी है। कोरोना काल के दौरान काम पर रखे गए इन कर्मियों का कार्यकाल 30 सितंबर को बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से अब इन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब ये कर्मी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स यूनियन की अध्यक्ष अनीता शर्मा ने बताया कि कोविड वॉरियर ने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं, कहा कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया था, लेकिन उनकी नौकरी खतरे में है, सरकार की तरफ से अगर उनसे बात कर लिखित में सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है तब तक घर में पर बैठे रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वॉरियर कोरोना काल के दौरान बेगानों की लाशों को भी कंधा उनके द्वारा दिया गया, और आज सरकार हमारी ही सुध नहीं ले रही है। तो हम वो कर्मचारी है जो उस समय में विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में अलग अलग पोस्टों पर तैनात किए गए थे। तो सर, ऐसी वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व भर में आई थी, जब अपने परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य से दूर भागता था, तो हम वो जो सड़कों पर बैठे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने जो है उन्हें सहारा देकर के उन्हें उनको एक विश्वास और हौसला दिया जीने का, और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज जो है सर, हम लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए जो है सड़कों पर उतरे हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने संचालित जन शिक्षण संस्थान मंडी में योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों के सम्मान में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जन शिक्षण संस्थान मंडी के निदेशक मोहन सिंह ने की, और मुख्य अतिथि के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय कुलपति अनुपमा सिंह ने शिरकत की। आपको बताते चले कि दीक्षांत समारोह में 150 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया, और इस दौरान जन शिक्षण संस्थान मंडी के निदेशक मोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2022 से 23 में विभिन्न कोर्सों के 2700 प्रशिक्षणार्थी ने इस योजना के तहत सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और इसी सफलता को लेकर दीक्षांत समारोह में इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। आज का कार्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान मंडी, जिसमें पिछले सत्र में 2022-23 में 2700 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न कोर्स जिनके अलग अलग ट्रेड से उनमें प्रशिक्षण दिया गया, सफलतापूर्वक उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज का अवसर उन सभी ट्रेनीज को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर, उनको उन प्रमाण पत्र वितरित करने का आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे कौशल संस्थान के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिला और आज बल्कि उस उपलक्ष्य पे जब कैबिनेट के द्वारा महिला आरक्षण बिल पास किया गया है तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी महिलाएं 90% से ज़्यादा थी उनकी भागीदारी में यहाँ देख रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे ऐसे सुनने में आया कि तकरीबन 3600 ट्रेनीज यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो बिजी हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे भारत सरकार का कार्यक्रम लगा। मैं मतलब JSS से एज अ रिसोर्स पर्सन हूँ और मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करवाती हूँ और जैसे कि मैंने पिछले 2 वर्षों से ये चला हुआ है तो फिर मैंने इसमें लगभग 5 या 6 बैच मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सी महिलाएं मेरे पास काम करने के लिए आती हैं और मैं उनको सिखाती हूँ। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी काम किया है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए, गाँव की महिलाओं के लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम या जो भी संस्था चलाई है। सोलन में रेलवे का ट्रायल खत्म हुआ और विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 सितंबर से 2 स्पेशल ट्रेनें कालका से सोलन तक चलनी शुरू हो चुकी है और इससे पहले कालका से कोटी तक ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब 70 दिन बाद यात्रियों को लेकर ट्रेनें हिमाचल की ओर जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद है कि जल्द ही शिमला ट्रैक भी बहाल हो जाएगा। दरअसल मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से हिमाचल में जो ट्रेनें थी वो बहाल नहीं हो पा रही थी क्योंकि त्रासदी के कारण जो है कई सड़कें अवरुद्ध थी और जहां पर कई जगहों पर जो है ट्रैक भी पूरे तरीके से बाधित थे और जिसके बाद अब आपको बता दें कि सोलन में कुछ ट्रेनें जो है बहाल कर दी गई है जिसकी वजह से आवागमन जो है वो सुचारू रूप से किया जाएगा। वही आपको बता दें कि अभी बोर्ड की ओर से ज्यादा ट्रेनों की जो मंजूरी है वो नहीं दी गई है। अभी तक फिलहाल 2 ही ट्रेनों का जो है वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा है और उसके बाद कुछ ही ट्रेनों को इस ट्रैक पे से बहाल किया गया है, लेकिन आगामी दिनों में और भी ट्रेनों को बहाल करने की बोर्ड की ओर से जानकारी लगातार दी जाएगी। धर्मशाला में विश्व कप के मैचों की मेजबानी को लेकर HPCA स्टेडियम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और इस बार भारत को एक दिवसीय विश्व कप मैचों में मेजबानी का मौका मिला है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड की टीमों की HPCA के मैदान में भिड़ंत तो होगी और BCCI के सचिव जय शाह ने अभी हाल ही में HPCA का दौरा किया है। भाई आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा ले लिया गया है और HPCA पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अलावा HPCA की आउटफील्ड भी तैयार है, लेकिन इसी बीच कई खबरें सामने निकल कर आ रही है जो कि HPCA की तैयारियों पर सवाल उठा रही है और जिसको लेकर जानकारी देते हुए HPCA के संयुक्त सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हर तरह से अपनी तैयारियों को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि धर्मशाला में विश्व कप के मैचों में मेजबानी इस बार जो है भारत कर रहा है और जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, जिसमें कि मैदान की बात हो, स्टेडियम की बात हो या फिर खिलाड़ियों की बात हो, हर कोई पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन भी इस बार जो है पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड का मैच होना है और जिसको लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह है। पिछले हफ्ते ही धर्मशाला स्टेडियम का जो दौरा करा था तो उन्होंने काफ़ी समय बिताकर यहाँ हर चीज़ का, हर पहलू पे ध्यान रख के हर चीज़ का गहन वो करा और इस दौरे से वो बिल्कुल स्पष्ट संतुष्ट दिखे हैं कि जो धर्मशाला मैदान है वो वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार है। देखिए, हमारी सारी जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल, हम इस माह के अंत तक हम सब कुछ मुकम्मल कर लेंगे
इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, अब किसी कोई भी बड़ा इवेंट होता है उससे पहले तो छोटी मोटी चीजें हर हर उस पे चलती हैं, तो वो चली हुई है, वो इस माह के अंत तक हम मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार। निधि जैसा कोई दूसरा।